हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केसर मलाई केक की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो दोस्तों, इस केक को हम बिना मैदा, बिना ओवन और बिना क्रीम के बनाकर तैयार करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही टेस्टी केक बनके तैयार होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो शुगर सिरप बनाने के लिए गैस पर रख दिया मैंने एक पैन, इसमें डाला है मैंने 1 कप पानी। अब इसमें डालूंगा मैं 1/2 कप शुगर यानी चीनी और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे एक अच्छा सा उबाल आने तक इसी तरह चलाते हुए पकाते जाना है। तो अब इसमें डाल दूंगा मैं थोड़ा सा सैफ्रन फूड कलर यानी केसर फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें एक उबाल आने तक इसी तरह चलाते हुए इसे हमें पकाते जाना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं शुगर सिरप में यानी कि चाशनी में हमारा उबाल आ चुका है। तो बस इसी तरह हम इसको 1 मिनट तक और पकाएंगे। तो अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 1/2 टीस्पून कार्डमम यानी इलायची का पाउडर। तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो तो। तो इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स और 1 मिनट तक इसे उबाल लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो लगभग 1 मिनट हो चुका है, इसको हमने 1 मिनट तक उबाल लिया है। तो अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद। तो हमारा शुगर सिरप है वो रेडी हो चुका है, तो इसको अब हम साइड में रख देंगे। तो अब हम बनाएंगे केक के लिए कस्टर्ड यानी कि केसर मलाई वाला कस्टर्ड। तो इसके लिए एक पैन में मैंने डाला है 2 कप दूध और इसके साथ में मैं डाल दूंगा इसमें 2 टेबलस्पून मलाई, ये दूध की ही मलाई है। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश क्रीम या फिर व्हिपिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा और गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। तो अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1/4 कप चीनी। तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद इसको हमें मीडियम फ्लेम पर एक अच्छा उबाल आने तक इसी तरह पकाते जाना है। तो इसी तरह हमें इसे बीच में चलाते चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे ना। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा घोल बनाना है यानी कि एक बैटर बनाना है। तो यहाँ पे एक बाउल में मैंने लिया है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और अब इसमें डालूंगा मैं 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। तो इन दोनों को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगा और अब इसमें डालूंगा मैं 1/4 कप ठंडा दूध, ये ठंडा है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, बस रूम टेम्परेचर है। तो इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, उसका हमें एक अच्छा सा घोल बनाकर तैयार कर लेना है और इसको हमें कर देना है अच्छे से मिक्स। तो इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ हैं या नहीं, गांठें नहीं रहनी चाहिए। तो इसको हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स, हमारा घोल है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो दूध है वो भी अच्छे से उबल चुका है यानी इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसे हल्का सा हमें लगभग 1 मिनट के लिए और उबाल लेना है मीडियम फ्लेम पर। तो इसी तरह हमें चलाते जाना है और उबालते जाना है। तो अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं थोड़ा सा केसर फूड कलर और इसमें डाल दूंगा मैं थोड़े से केसर के धागे। तो अगर आप कलर नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। तो इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स यानी इसे हल्का सा चला लेंगे और इसके किनारों पर जो मलाई लगी हुई है इसको भी हम हटा लेंगे और इसी तरह हम इसे चलाते हुए पकाते जाना है। तो इसको हमने लगभग 1 मिनट तक पका लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे घोल जो हमने बनाकर तैयार किया था। तो सारा एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है 2 या 3 बार में। तो एक बार इसमें मैंने डाल दिया और इसको मैं हल्के से चला लूँगा अच्छी तरह से। अब गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और अब इसके अंदर हम डाल देंगे सारा बचा हुआ जितना भी घोल है वो सारा का सारा डाल देंगे और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। तो दोस्तों, इसको हमें चलाते हुए रोकना नहीं है बीच में से, तो इसी तरह लगातार इसे हमें चलाते रहना है। अगर हम इसे रोक देंगे तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। तो इसे चलाते हुए आप देखेंगे धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बदल जाएगी, एकदम गाढ़ी हो जाएगी अच्छे से, क्रीमी रबड़ी जैसी। तो आप देख ही सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी चेंज हो चुकी है, एकदम शाइनिंग आ रही है इसमें बहुत ही अच्छी सी। तो दोस्तों, हमारा केसर वाला जो कस्टर्ड है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए आप क्या करना है, आप एक स्पून लीजिए, उसके बैक साइड को आप इस तरह इसको कोट कीजिए और इसको हल्का सा ठंडा कीजिए और इस तरह उंगली से
इसमें निशान बना दीजिए और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी बैटर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, यानी हमारा कस्टर्ड जो है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको हम हल्का सा चला लेंगे और जो भी किनारों पर मलाई वगैरह लगी हुई है इसको हम इकट्ठा कर लेंगे बीच में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी शाइनिंग आ रही है हमारे कस्टर्ड में, बहुत ही टेस्टी बना है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में। तो केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है रस्क, यानी जो टोस्ट आते हैं, तो यहाँ पे मैंने लंबे वाले लिए हैं, आप चाहें तो छोटे वाले जो आते हैं वो भी ले सकते हैं। तो अब केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप का एक कांच का बाउल लिया है इस तरह का, तो आप चाहें तो एल्यूमिनियम का या फिर स्टील का भी ले सकते हैं। तो रस्क यानी टोस्ट जो है इनको मैं इस तरह लगा दूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं किस तरह लगा रहा हूँ, तो छोटे वाले हैं छोटे वाले को भी इसी तरह लगाने हैं आपको। तो यहाँ पे जो किनारों पर एक जगह बच गई है इसको मैं इस तरह लगा दूंगा, उन्हें कोने में भी लगा दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जगह रह गई थी। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे शुगर सिरप, यानी चम्मच से थोड़ा थोड़ा हमें इन टोस्ट के ऊपर शुगर सिरप डालते जाना है। तो शुगर सिरप जो है हमारा हल्का गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा हमें इस पर शुगर सिरप डाल देना है। तो सारा शुगर सिरप अभी हमें नहीं डालना है, तो हमें आधा बचा के रखना है। तो आधा ही शुगर सिरप हम इसमें यूज़ करेंगे अभी। तो शुगर सिरप हमें डाल देना सारे टोस्ट के ऊपर। तो दोस्तों शुगर सिरप हमें डाल दिया अच्छे तरह से। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे कस्टर्ड का मिक्सचर, यानी केसर वाला मिक्सचर। तो ये भी जो है हल्का गर्म होना चाहिए, तो इसको भी हम अच्छे से फैला देंगे। तो इसके ऊपर भी हमने कस्टर्ड का मिक्सर फैला दिया है। तो अब यहाँ पे मैं टोस्ट लगा दूंगा, फिर से एक लेयर और लगा दूंगा, यानी हम दो लेयर में बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको टेढ़ा करके लगाया है, तो यहाँ पे एक और लगा देंगे इसके कोने में। तो इसको हमने टोस्ट अच्छा सा भर दिया है इस बाउल को, और अब फिर से हम इसके ऊपर शुगर सिरप डाल देंगे। तो अब की बार जो बचा हुआ शुगर सिरप है मैं सारा इसमें यूज़ कर देना है। तो जितना ज़्यादा हम शुगर सिरप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारा जो केक बनेगा रसमलाई वो सॉफ्ट बनेगा। तो लगभग सारा शुगर सिरप मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम सारा का सारा जितना भी कस्टर्ड जो बचा हुआ है वो सारा का सारा हम इसके ऊपर फैला देंगे। तो इसके ऊपर हल्की सी एक लेयर बना देंगे कस्टर्ड की, आप देख सकते हैं इस तरह। और इसके कोनों में जितनी भी जगह बच रही है उनको भी हम भर देंगे कस्टर्ड से। तो दोस्तों अब लास्ट में इसको स्पैचुला की सहायता से हल्का सा फैला देंगे, यानी एकदम स्मूथ कर लेंगे बराबर चारों तरफ से। तो कस्टर्ड को हमने बराबर कर लिया है। अब यहाँ इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ता, तो आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिस्ता डाल रहा हूँ और थोड़े से बादाम डालूंगा चॉप किए हुए। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़े से चॉप किए हुए बादाम डाल दे रहा हूँ। तो बादाम मैंने इसके ऊपर अच्छे से डाल दिए। तो अब इसको हम 2 घंटे के लिए लगभग फ्रिज में रख देंगे। तो 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं आपको इसको काट कर दिखाता हूँ। तो काटने पर तो आपको पता ही चल रहा होगा कि इतना सॉफ्ट ये बना है, यानी हमारा केसर मलाई जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो शुगर सिरप ने अपना कमाल कर दिया है, यानी टोस्ट जो है उन्होंने शुगर सिरप को अब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ एक पीस पर चांदी का वर्क, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो ना लगाएं। तो अब इस पीस को हम निकाल लेंगे बाहर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना जूसी और कितना टेस्टी हमारा केसर मलाई केक लग रहा है। दोस्तों बहुत ही टेस्टी हमारा केसर मलाई केक बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।